तो आप देख रहे हैं द बेधड़क शो। अब देखिए दूसरे बड़ी खबर के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान में दो से ज्यादा जिनके बच्चे हैं ऐसे लोग सरकारी नौकरियां नहीं कर सकेंगे। सुनने में पहले तो आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन राजस्थान सरकार का यह नियम पहले भी लागू था और आगे भी बरकरार रहने वाला है। इस फैसले से उन लोगों को झटका लगा है जिनके दो से अधिक बच्चे हैं और वह सरकारी नौकरी करने की मंशा रखते हैं। जी हाँ, राजस्थान सरकार के 1989 के इस कानून को अब सुप्रीम कोर्ट की भी मंजूरी मिल गई है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैनिक रामजीलाल जाट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ लगाई याचिका खारिज कर दी है और राजस्थान सरकार के नियम को बरकरार रखा है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो शॉकिंग जवाब दिया है उसकी भी चर्चा यहाँ पर खूब हुई। साथ ही जानेंगे याचिका करने वाले ने क्या कहा। जज साहब, मेरे दो से ज्यादा बच्चे और राजस्थान सरकार नहीं दे रही है मुझे नौकरी। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हर कोई कहता बच्चे दो ही अच्छे, दो से ज्यादा बच्चे तो सरकारी नौकरी नहीं। सुनने में लगता है जरूर अजीब। सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला, शीर्ष कोर्ट ने दिया शॉकिंग जवाब। राजस्थान सरकार के नियम पर लगी मुहर, 1979 के राजस्थान कानून को सुप्रीम मंजूरी। राजस्थान में जिन लोगों के दो से ज्यादा बच्चे हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकते। ये नियम पहले से चर्चा में रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर इस नीति को राजस्थान में 21 साल पहले ही लागू किया जा चुका है। अब यही नियम सरकारी नौकरी में चयन को लेकर भी जारी होगा। बता दें कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए भी इसी तरह के नियम को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी थी, लेकिन गुरुवार को सुप्रीम फैसले में राजस्थान सरकार के दो बच्चे वाले नियम पर शॉकिंग जवाब दिया और सरकार और हाईकोर्ट के फैसले पर मोहर लगा दी। राजस्थान सरकार के दो बच्चों वाले नियम पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने दो से अधिक संतान होने पर सरकारी नौकरी नहीं देने के राजस्थान सरकार के नियम को बरकरार रखा है। शीर्ष कोर्ट ने कहा, यह नियम पॉलिसी के दायरे में आता है और इस पर दखल देने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दो से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी देने से इनकार करना गैर भेदभावपूर्ण है। प्रावधान के पीछे का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने 12 अक्टूबर 2022 की राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और पूर्व सैनिक रामजी लाल जाट की याचिका खारिज की। यहां तक कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के नियम को हरी झंडी दिखाई थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले पर कहा कि ऐसा प्रावधान पंचायत चुनाव लड़ने की योग्यता के तौर पर भी पेश किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। 21 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नियम जो दो से ज्यादा जीवित बच्चे होने पर उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करता है। दरअसल 31 जनवरी 2017 को रक्षा सेवाओं से सेवानिवृत्ति के बाद याचिका करने वाले रामजी लाल जाट ने 25 मई 2018 को राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया था। उनकी उम्मीदवारी को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1979 के नियम 24(4) में इस आधार पर खारिज किया था, क्योंकि 1 जून 2002 के बाद उनके दो से अधिक बच्चे थे, इसलिए वह सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य है। इन नियमों में कहा गया है कि कोई भी उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जिसके 1 जून 2002 को या उसके बाद दो से अधिक बच्चे हो। अदालत ने कहा कि यह निर्विवाद है कि अपीलकर्ता ने राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया था और ऐसी भर्ती राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1979 द्वारा शासित होती है। पीठ ने कहा था कि कुछ इसी तरह का प्रावधान पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पात्रता शर्त के रूप में पेश किए गए थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। यही नहीं, 21 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नियम जो दो से ज्यादा जीवित बच्चे होने पर उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करता है गैर भेदभावपूर्ण नहीं है, लेकिन इस नियम पर शीर्ष कोर्ट ने फिर से मोहर लगाई है। बहरहाल सुप्रीम फैसले में यही संदेश दिया गया है कि परिवार नियोजन की पालना जरूरी है, बच्चे दो ही अच्छे के स्लोगन का पालन करें, नहीं तो फिर सरकारी नौकरी से तो हाथ धोना ही पड़ेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। तो देखिए रिपोर्ट आपने देखी। अब राजस्थान में दो से अधिक बच्चे वाले लोगों की सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। राज्य सरकार के 1979 के इस कानून को अब सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। इस चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने कहा कि यह नियम भेदभावपूर्ण नहीं है। कोर्ट के मुताबिक प्रावधान के पीछे का असली मकसद परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है। यहां तक कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के नियम को हरी झंडी दिखाई थी। देश की सर्वोच्च अदालत के अनुसार यह नियम पॉलिसी के दायरे में आते हैं और इनमें दखल की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें कि पूरा मामला क्या था। एक पूर्व सैनिक ने दाखिल की थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला पूर्व सैनिक रामलाल जाट की ओर से दाखिल अपील को खारिज करते हुए सुनाया। रामलाल जाट साल 2017 में रिटायर हुए थे और मई 2018 में उन्होंने राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 24(4) के तहत उनकी याचिका को खारिज किया। अब इस नियम के तहत प्रावधान है कि अगर किसी उम्मीदवार के दो या ज्यादा बच्चे हैं तो वह सरकारी नौकरी के लिए योग्य नहीं होगा। वजह 1 जून 2002 के बाद से उसके दो से ज्यादा बच्चे थे और इसकी वजह से वह सरकारी रोजगार के लिए अयोग्य माना गया। क्या है राजस्थान विभिन्न सेवा नियम, वो भी आपको बता देते हैं। 2001, बता दें कि राजस्थान विभिन्न सेवा संशोधन नियम 2001 यानी राजस्थान वेरियस सर्विसेज अमेंडमेंट रूल्स 2001 के तहत प्रावधान है कि 1 जून 2002 या उसके बाद से जिनके भी दो से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, उन्हें सरकारी नौकरी का पात्र नहीं माना जाएगा। राजस्थान में क्यों लागू हुआ ऐसा नियम, ये भी आपको बता देते हैं। गौरतलब है कि जस्टिस कांत की बेंच ने कहा कि कुछ इसी प्रकार का प्रावधान पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों की पात्रता को लेकर भी है। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे जावेद बनाम राजस्थान राज्य के मामले में बरकरार रखा था। इसके तहत दो से ज्यादा बच्चे होने पर उम्मीदवारों को अयोग्य माना जाता है और इस प्रावधान का मकसद परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है। बेंच ने पूर्व सैनिक की अपील पर हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। ये बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और राजस्थान में उन लोगों के लिए जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं। तो अब आखिर क्या होगा, इसके बाद लोगों की क्या राय होगी, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बड़ा फैसला जहां पर दो से अधिक बच्चे पर सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलेगी। आज तो बेधड़क शो में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए सच बेधड़क के साथ। नमस्कार।